हमारा देश में IJU जैसे यूनियन मैंने कहा रोको मैंने लिए कहा रोको रोको लेकिन गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं मैं यहां खड़ा खासतौर पे आपके प्रेसिडेंट साहब सिन्हा साहब सम्मानजनक है इन्होंने मुझे आते ही कहा सिद्धू साहब मेरी उम्र देखिए मैंने आपको खेलते हुए कवर किया है मैंने कहा आप यूं क्यों नहीं कहते कि मैं आपकी गोदी में खेला हूं तो यहां बड़े बड़े दिग्गज बैठे हैं अमर साहब बैठे हैं यहां जम्मू साहब बैठे हैं और सच पूछिए ये इतनी बड़ी संस्था है जो पीढ़ी दर पीढ़ी हम सबको प्रेरणा देती है मेरी जिंदगी में कभी भी डर नहीं रहा आई फियर नथिंग इन माई लाइफ देर आर टू पीपल दैट आई फियर वन इज माई वाइफ एंड द अदर इज देखा आपने बोला ना आई फील fear three newspapers more than I fear 3,000 swords. Pucho, pucho, kyun? Kyunki you can infuse life in a corpse and vice versa, a live and a kicking man can go into his grave if you want. That is the power of journalism. Aur maine wo khud apni zindagi mein experience kiya hai. You know, when I was young, a journalist by the name of Rajan Bala had written about me. And he'd written that Navjot Singh Sidhu is a strokeless wonder. You know it. That story changed my life. That actually has inspired me for greater heights. I must thank him. If I'm standing here, it is because of Mr. Rajan Bala. Because when he wrote that, na ab thogo, koi chakkar nahi. Because when he wrote that story, and I was a 19-year-old at that time, 18 and a half. I came out of the bathroom one fine morning and I saw my father crying, sobbing like a baby. That's the first time that I'd seen my father cry. I was flabbergasted. But the man stubbed reh gaya. Har roz main apne father ko cheat karta tha. And then I'll come to the real thing. I want to tell you this story because this is the inspiration of my life. Har roz main apne father ko cheat karta tha. वो मुझे सवेरे 5:30 बजे उठाते थे ब्लड प्रेशर पेशेंट थे और मैं दूसरे कमरे में जाकर सो जाता नौकरों को मैं ब्राइब कर देता था 20 रुपया हफ्ता कि भैया बताना मत 2 घंटे सो के वापस आता था गीली टी शर्ट पहन के उस पर पानी वानी मार के और मेरे फादर बोलते थे कितने राउंड भागा मैं कहता 10 उन्होंने कहा थक गया मैं हाँ सो जाता मैं फिर सो जाता यू नो उस दिन उन्होंने जो अखबार लुकाया छिपाया देखा पंजाबी निकल जाती है पंजाबी बंदा पंजाबी ना बोले ऐसा लगता है झूठ बोल रहा है निकल जाती है तो छिपाया उन्होंने अखबार तो मैंने उनको टाइम दिया जाने के लिए कोर्ट न्यूज एडवोकेट जनरल दरबार सिंह मिनिस्ट्री कांग्रेस मिनिस्ट्री एंड आई पुल्ड आउट दैट न्यूज़पेपर फ्रॉम द पिलो एंड ऑन द फ्रंट पेज ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस वॉज दिस ग्रेट आर्टिकल फ्रॉम मिस्टर राजन बाला हू हैड रिटन ऑफ नवजोत सिंह सिद्धू As a strokeless wonder. मैं दफन हो गया क्योंकि 55 लोग जो सिलेक्ट हुए उसमें नवजोत सिद्धू का नाम नहीं था एक आप इंडियन टीम में मतलब अर्श से फर्श तक और दूसरा आप 55 में कहीं नहीं हार्ट ब्रोकन मैंने अपनी अंजलि में जल लिया मेरी मां हिंदू थी मेरे पिता सिख थे सो मैं आधा जाट हूं आधा खत्री माई डैड यूज़ टू से तू जट खट है तो मैंने जल लिया मेरी मां की जो मेरी सीख थी तो वो जल मैंने आई पोर्ड इट टू द गॉड्स एंड आई टुक सेक्रेट वाउज दैट इफ आई एम सरदार भगवान सिंह सिद्धू सन आई विल वन डे प्ले फॉर इंडिया अगेन आई वुड गेट अप 3:30 इन द मॉर्निंग विदाउट एन अलार्म आई वुड
wake up my servants, take them to the ground. I would roll the pitch myself. I would water the pitch myself. One square meal a day, I would have. So, 25 pedigrees, 6 pakkiyan jalebiyan, dudde vich baag main sonsu janda si. And then in the afternoon, I would hit 125 sixes every day. Every day I would hit 125 sixes. My hands would bleed. Blood would pour out. And then I would soak the sano mein bhi rui jo soak kar le us blood ko. Wo lagaye. 3 mahine mein haathon pe attan pad gaye, lohe ke ho gaye. Aankh band karke chakka maarta tha. Shaam ko jab main aata tha, तो मेरे बैकयार्ड में एक सीमेंटेड पिच थी, हैलोजन लैंप्स लगे हुए थे, और माय पॉकेट मनी वुड गो टू यंगस्टर्स हु वर 13 और 14 और 15, एंड दे वुड बोल एट मी फ्रॉम 15 यार्ड्स, व्हिच वाज फास्टर देन मैथ्यू मार्शल. वो 15 कदम से गेंद फेंकते थे और मैं खेलता रहता था. बिलीव यू मी, फूड वुड बी लेड एट द टेबल एट अबाउट 12 o'clock midnight, एंड आई वुड बी स्लीपिंग विद माई पैड्स ऑन. आई वुड गेट अप विद माई. This continued, and in the meantime, after about 1.5 years, my father died. A part of me died. I didn't know where I was at that stage. But then logon ne kaha ki agar tum apne father ka dream realize karna chahte ho to cricket. I continued after 4 long years, brother. 4 long years, I got the opportunity to play the Sheesh Mahal tournament. 700s. I was picked for the 25 for the World Cup. And then I got selected for the World Cup. And in that World Cup, 1987, the Reliance World Cup, in that World Cup, I hit 42 sixes, 550s in a row. It's a world record and it stands till day. And in the meantime, from there, my life had changed. I've become a star, a hero. People want to touch me. The whole world has changed. And I'm traveling to Dubai, and in the middle of the flight, Ravi Shastri comes up to me. He says, "Hey, Sids, main kya Ravi bhi, I use my captain under 22, under 19s. Says, "Hey, Sids, there's something wonderful written about you." I said, "What?" So he throws the Khaleej Times. The Khaleej Times is the premier newspaper in the UAE. On the front page of the Khaleej Times is an article, again, written by Mr. Rajan Bala, that says, from strokeless wonder, the two sixes with six are still. And that is how the press actually has affected me hugely. And it affects almost everybody. But I see a changing scenario today. I see the press being threatened. I see a change which nobody's ever seen. अरे भाई आजकल तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में होती नहीं, मन की बात होती है. मैं आपको ये आश्वासन दिलाता हूं, नवजोत सिंह सिद्धू एक सिपाही है, सच पे पहरा देने वाला. ना 15 साल इनसे दबा हूं, ना 15 साल किसी से डरा हूं, क्योंकि मैं ये मानता हूं कायर हर रोज 50 बार मरता है, बहादुर जीवन में एक बार मरता है. फेमस शेक्सपियर नाउ द कवर्ड स्टार मेनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ्स, द वैलेंट टेस्ट ऑफ डेथ बट वंस. इसलिए मैं आपको कहता हूं कि डर जर्नलिस्ट को नहीं होना चाहिए, डर उसको होना चाहिए जो जर्नलिस्ट का कत्ल कर रहा है. उसको यह तभी होगा जब कानून बनेंगे, जब कानून दंतहीन नहीं होंगे, जब कानून कठपुतली नहीं बनेंगे. और आज आपने मेरे भीतर अलख जगाया है. यह अलख आपको सब जगह जगाना होगा, यह स्वाभिमान आपको सब जगह जगाना होगा. स्वाभिमान वो सात्विक सुगंधित फूल है जिसके इर्द गिर्द गुणों के भंवरे गुंचित रहते हैं. यह जग जाए उत्पादन शक्ति खुद ब खुद जग जाती. प्राइम मिनिस्टर साहब जो मन की बात करते हैं, उनके सामने एक रोड है, इट्स कॉल्ड द मुस्तफा कमाल रोड. व्हेन द ब्रिटिश इन्वेडेड टर्की, दे कैप्चर्ड एवरीथिंग. मुस्तफा कमाल एक टर्किश जनरल है,
They captured everything, but your Gallipoli Basin was never captured. They ran 40 shorties on the Gallipoli Basin, but the Gallipoli Basin was never captured because it was manned by a general called Mustafa Kamal. The Turk was a lazy man, but Mustafa Kamal unke samne khada hoke history sunata tha, unke purvajon ki kahaniyan sunata tha, unme alak jagata tha, aur unhe kehta tha, ye pagdi ka sawal hai. This is about your pride. So you also need to stand up for what your rights are. And that is what will actually make you what you are. Jo buzdil hote hain, wo simat jate hain, wo tubat jate hain, aur hukumranon ki baat sunte hain. Lekin jo bahadur hote hain, wo freedom ke liye jaan ki baazi laga dete hain. Ye na samajhna. मित्रों, ये ना समझना कि ये स्वाधीनता, ये फ्रीडम हमें यूं ही मिली है, हर कली इस बात की खून पी के ही खिली है. बिछ गए वो नींव में, दीवारों के नीचे खड़े हैं ये महल अपने शहीदों की चिताओं पर खड़े. ये आपका फंडामेंटल राइट है जो कॉन्स्टिट्यूशन में दर्ज है. नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर एंड क्रीड. दैट इज द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. It impinges and impedes on the spirit of the constitution. ये चौथा पिलर है डेमोक्रेसी का. इसके बिना डेमोक्रेसी रह नहीं सकती. जर्नलिज्म ही एक ऐसी संजीदगी वाली युक्ति है जो डेमोक्रेसी को अकाउंटेबल बना सकती है, जो जवाब नहीं बना सकती है हुक्मरानों को. मुझे याद है जब मैं कैंपेन किया करता था गुजरात में, उन दिनों मोदी साहब के काम की तो चर्चा थी, पर मीडिया उनके पास फटकता भी नहीं था. आज शायद मीडिया उनके पास फटकता है, पर काम तक बता यह 100% ट्रू है. यह 100% ट्रू है. और अगर हम लोगों को, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को जवाबदेही बनाना है तो आंदोलन जरूरी है. अगर आप में देश का प्यार है, मातृभूमि का प्यार है, तो आंदोलन जरूरी है. आवाज उठाना जरूरी है, प्रोटेस्ट जरूरी है, सत्याग्रह जरूरी है. सत्यमेव जयते, अतीत खुद जवाब है. गुजरा हुआ कल. यू नो द पास्ट इज द बेस्ट प्रॉफिट दैट प्रेडिक्ट्स द फ्यूचर. Some call it a bucket full of ashes, but it can predict the future. But man, फिर ना कहना सिद्धू ने तगड़ा शेर नहीं सुनाया. अतीत खुद जवाब है, गुजरा हुआ कल खुद जवाब है, उस पर सवाल नहीं होते. और मिट्टी में डूबे बिना गुलाब नहीं होते. अतीत खुद जवाब है, उस पर सवाल नहीं होते. और मिट्टी में डूबे बिना गुलाब नहीं होते. शिक्षा में यदि देश के प्रति प्रेम हो तो बात बनती है. यूं ही पैदा गांधी, जवाहर, भगत सिंह, उद्धम सिंह जनाब नहीं होते. चरागों की तरह खुद को जलाना पड़ता है. यूं ही मुट्ठियां बांध लेने से इंकलाब नहीं. ये इंकलाब की जरूरत है साहब. ये कहना जरूरी है कि यू कैनॉट थ्रेटन द प्रेस, यू कैनॉट बाय द प्रेस. जिंदगी में सब कुछ बिकाऊ है, लेकिन कुछ लोगों का ईमान बिकाऊ नहीं है. और अगर नवजोत सिंह सिद्धू 6 इलेक्शन जीता है अमृतसर में, तो इतिहास गवाह है. इसीलिए जीता है कि मेरे माथे पे मेरे माता पिता ने लिख दिया था नॉट फॉर सेल, नॉट फॉर सेल. एंड दैट इज द पेन ऑफ द सोसाइटी. या तो आप पैसे कमा लो या आप इज्जत कमा लो. अ गुड नेम इज वर्थ ऑल द रिचेस इन लाइफ. एंड आई अश्योर यू सर, आई अश्योर यू, I give you a word. मैंने जिंदगी में, जम्मू साहब ने कहा वायदे, promises and acts are made to be broken. ना मैंने promise किए अमृतसर में आके, ना मैंने वायदे किए, ना मैंने कसमें खाए. कसम ना खाओ वायदा निभाने की, के रिश्ते टूट जाते हैं अक्सर कसम खाने. I'm not obligated to succeed. I'm obligated to try my level best. इस दुनिया में वायदे अंडे टूटते हैं,
लेकिन कोशिशें कामयाब होती हैं, कोशिश, और वो कोशिश जारी रहनी चाहिए। सर आई अश्योर यू, चाहे विधानसभा हो और चाहे पार्लियामेंट हो, नवजोत सिंह सिद्धू ये इंश्योर करेगा कि आपकी आवाज दोनों में गूंजेगी और आपको सेफ्टी मिलेगी। What are we there for? We are here to make acts, laws that govern people's lives. We are a welfare state. और अगर हम आपकी वेलफेयर के लिए चिंता नहीं करेंगे तो हमारी चिंता साहब आप कौन करेगा? ये बात समझ लीजिए, ठोको मत रोको। ये सही है, मैं सत्य का पुजारी हूं, कोई मुझे क्रिटिसाइज करे मैं उससे उभरता हूं। Because I tell myself the biggest room in this world, and I tell young people, the biggest room in this world is a room for improvement. Or wo room for improvement is always there. But let us come out of this fear psychosis. Fear is the dark room in which negatives are developed. It multiplies faster than rabbits. Let's not fear. Let's face it bravely. मुसीबतें आती हैं, लीडर आप लीडर ही तो हो, क्रीम हो। 28,000 लोग इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन के, 28,000 लोग, क्या अपने हक के लिए नहीं लड़ सकते? बिन मांगे मोती मिलते हैं, मांग के भीख नहीं मिलती। सादा हक इथे रख, दैट शुड बी योर लोगो। दो बार निकलो बाहर सड़क के ऊपर, बंदे देख पोतला बन जाएंगे, तो मैनू भी हो। And it is everybody's right. You know, the fundamental rights of the Constitution say, and the first thing that they say is freedom of speech. England में एक ऐसा corner है जहां सिवाय राजा रानी के आप किसी को भी गालियां दे सकते हो। You're allowed. The freedom of speech is the most essential spirit of democracy. Nobody can impinge and impede on that. तो मैं आपको यह आश्वासन देता हूं साहब कि मीडिया की फ्रीडम को कभी भी कोई कलंक नहीं लगेगा। मैं रवीश साहब को सुनता हूं, बड़ा फक्र होता है। मैं शोरी साहब को भी सुनता हूं, बड़ा फक्र होता है। और मैं देखता हूं कि सरकारें क्या कर रही हैं, बड़ा दुख होता है मुझे, क्योंकि ये कायरता है, किसी को डराना, किसी को धमकाना, और चारों पाए साम दाम भेद दंड इसका इस्तेमाल करना, ये कमजोरी है। और शायद इस कमजोरी का प्रकोप है कि पड़ताल करने वाली एजेंसी सीबीआई की खुद पड़ताल हो रही है। पकड़ लो पूछ, ये कभी सुना था कि एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के टॉप बॉस हजारों की नहीं, लाखों की नहीं, करोड़ों की दोषारोपण एक दूसरे पे कर रहे हैं? और बाप का राज है, किसी को लगा दिया अगले दिन पलट दिया। ये देश डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पे चलता है, नियत पे चलता है। बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बैठ गए, उन्हें कहता हूं कि साहब तालीम का जोर इतना, बड़े बड़े ऑक्सफोर्ड के लोग हैं, साहब तालीम का जोर इतना, तहजीब का शोर इतना, बरकत क्यों नहीं होती? तुम्हारी नीयत में खराबी है, तुम्हारी नीयत में खराबी है। और देवताओं की नीयत में भी आ जाए फर्क, अगर नजारा चाहे जन्नत का क्यों ना हो, वो गर्व हो जाए। आई स्टैंड फॉर द फ्रीडम ऑफ प्रेस, आई स्टैंड फॉर द सेफ्टी ऑफ प्रेस, आई स्टैंड फॉर एवरी राइट दैट यू हैव, बिकॉज आई एम पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क। और आप चौथा पिलर हो, एक पिलर डिगेगा, एक पिलर गिरेगा तो सब कुछ सिमट जाएगा। इफ यू डोंट थिंक कोऑर्डिनेशन इज नेसेसरी, वॉच व्हाट हैपेंस टू अ वैगन व्हेन वन ऑफ द व्हील कम्स ऑफ। वॉच, रथ एक पहिए पे नहीं चल सकता, रथ को अगर चलाना है तो कोऑर्डिनेशन जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद, बात खत्म, खड़े हैं। మరిన్ని వీడియోల కోసం మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయండి।